और कैसे हो मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो चलिए चलते हैं एक नई रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट और साथ में बहुत ही हेल्दी नाश्ता, जिसको आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक पैन और उसमें डाला है हमने आधा कप ओट, और ओट को हमें सुनहरा होने तक भूनना है। और यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम को रखना है मीडियम, हाई फ्लेम पे इसको नहीं भूनना है क्योंकि ये नीचे जल जाएगा। तो आपको इसको लगभग 3 से 4 मिनट इसको आपको भूनना है लगातार चलाते हुए, ताकि ये नीचे जले नहीं। और अब ये सुनहरा कलर इसका हो गया है, तो अब गैस को कर देते हैं बंद। तो यहाँ पे हमने एक पैन में डाला है 2 बड़े चम्मच तेल, और जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी राई 1/2 चम्मच के करीब, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जब ये दोनों चटकने लगे तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच हींग, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट हमको देती है और पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ 4 से 5 लहसुन की कली को डाल दिया है। उसके बाद 1 अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था, और इन सबको हमें मिलाना है और थोड़ा सा इनको भूनना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं करी पत्ते, 8 से 10 करी पत्ता, और सबको मिक्स करते हुए इनको अच्छे से भूनना है 1 मिनट के लिए। जब ये भुन जाए तो मैंने यहाँ पर बीच से कट करके यहाँ पर 2 डाली हैं हरी मिर्च, और 1 डाला है मैंने छोटा प्याज जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। और हल्का होने तक आपको इनको हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। अभी हल्का हल्का सुनहरा होने लग गया है, तो मैं इसमें अब ऐड करूंगी टमाटर, जिसको 1 टमाटर मैंने लिया था जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था, और इसको अच्छे से करना है मिक्स। और इसमें अब हम ऐड करेंगे आगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं हल्दी 1/3 चम्मच, उसके बाद हमने 1/3 चम्मच डाली है मिर्च पाउडर, और नमक एज पर योर टेस्ट, और उसके बाद हमने डाला है 3/4 चम्मच छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है एक छोटी शिमला मिर्च जिसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया था। आप इसको गोल पीसेस में भी, चौकोर पीसेस में भी आप इसको कट करके डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं फ्रोजन मटर, अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पर फ्रोजन मटर डाले हैं। आप मटर अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से पकने देना है। जब ये पक जाए तो हम इसमें करेंगे ऐड जो हमने रोस्ट किया था ओट, उसको हम यहाँ पर डाल रहे हैं। सारा ओट इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 अंडे, तो हमें जो अंडे हैं वो यहाँ पर डालने हैं। ये देखिए, और उसके बाद इसको एक कुछ सेकंड के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद फिर इसको धीरे धीरे चलाना है ताकि ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और जो अंडा है वो नीचे चिपक जाता है, तो आपको धीरे धीरे इसको चलाते रहना है ताकि इसका एकदम अच्छा सा फ्लेवर आ जाए एग का इसके अंदर। आपको इसको ऐसे ही कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही चलाना है, और उसके बाद हम इसमें बाद में ऐड करेंगे कुछ पानी, जिसमें मैंने पानी ऐड किया है 2/3 कप के आसपास। ये देखिए, मैंने पहले 1/2 कप डाला है, और उसके बाद मैंने फिर से इसमें 1/4 कप और पानी डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और फिर हम इसको पकाएंगे
तीन से चार मिनट के लिए ढककर इसको हमको पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखिए कितना बढ़िया सा इसका कलर आ गया है। अभी इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी रह गया है, तो आपको उसको सुखा लेना है, या तो आप उसको ढक करके कुछ सेकंड्स के लिए रख दें, या आप इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर इस पानी को सुखा लें, क्योंकि जो ओट हैं वो अच्छे से इसमें गल गए हैं और सारी सब्जियां भी अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब ये पानी यहाँ पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है और मैंने डाला है आधा नींबू का रस, ताकि इसमें बहुत अच्छा सा चटपटा खट्टा सा फ्लेवर आ जाए और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। कुछ लोग जो है ओट्स नहीं खाते क्योंकि खाने में स्वादिष्ट नहीं लगता है, बट ये ओट्स बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब और साथ में बहुत ही हेल्दी है। तो आप इसको ब्रेकफास्ट और इंस्टेंट स्नैक्स के रूप में बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।